बता दें कि नगर परिषद कांटी में जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसर्च सेंटर का जो है आज उद्घाटन जो है बिहार सरकार में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा किया गया। साथ ही विधानसभा परिषद के जो है दिनेश कुमार सिंह भी सहित और नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार और कांटी प्रमुख कृपाशंकर शाही और उप सभापति अजय गुप्ता सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में जो है आज जो है उद्घाटन किया जा रहा है। और तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं कहाँ जहाँ पे जो है यहाँ पर जो है सभी चीज़ों का जो है परीक्षण कराया जाएगा और जो जाकर जो है दूसरे ज़िले में जो है रिसर्च करते थे इसके बारे में अब जो है अब यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे जो है काफ़ी लोगों को राहत मिलेगा। वही आपको बता दें कि लगभग करोड़ों रुपये की लागत से जो है इसे भवन को बनाया गया है। और तस्वीरें जो है अभी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर सभी जिला पार्षद जो है मुजफ्फरपुर जिले के सभी जो वहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। वही मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं पूरे उद्घाटन समारोह के बाद, खुद सुनिए। आज पंचायत समिति संसाधन केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है और इस सेंटर बनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारे कर्मियों को प्रतिनिधियों को अन्य जगहों पर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएँ अब जिला में मिल रही हैं। आपके DPRC में सारी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी, जो भी प्रशिक्षण होते हैं पंच सरपंच वार्ड मुखिया यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं पदाधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था DPRC में होगी। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इसमें सुविधाएं मिलेंगी, जैसे बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए बाहर जाना पड़ता था वो अब यहाँ हो जाएगी, ऐसी कई सुविधाएँ यहाँ मिलेगी आपको। भत्ता वृद्धि पे विचार किया जाएगा, सरकार निश्चित तौर पे उस पर विचार करेगी। पंचायती राज व्यवस्था में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा छाया रहता है, कहीं नहीं, अगर ऐसा कहीं भ्रष्टाचार है तो आप बताइए, भ्रष्टाचार का मुद्दा पंचायती राज में कहीं नहीं। मैं तो कई जगह अभी सीमांचल का दौरा करके आया हूँ, कहीं भी भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला नहीं दिखाई पड़ता है। नल जल योजना की जहाँ पे आप हैं नगर परिषद में आती है पुराने वार्ड में कई जगह पे नल जल अभी भी बंद पड़ा है। नगर परिषद में तो नगर परिषद के लोग बताएंगे, नगर का अपना टीम होती है, पंचायती राज में कहीं भी है तो वहाँ हमारा सही तरीके से चल रही है। और अब तो पंचायती राज से भी हम लोग ने नल जल की योजना को PHD को ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि सुचारू रूप से उनका अनुरक्षण और कार्य होते रहे। ज्ञान के मंदिर है, पंचायती राज प्रतिनिधि लोग जो है सबके ज्ञान दिल जाते, क्या आपको पावर है, क्या एक्ट है, क्या ये है, सेंटर है, यहाँ लोगों का ट्रेनिंग होगा वार्ड से लेके जिला परिषद तक का, उसी का संसाधन केंद्र बना, उसी का उद्घाटन करने हमारे माननीय मंत्री जी आए हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा भत्ता को लेकर के भी आवाज़, भत्ता के लेके आवाज़ कुछ नहीं, भत्ता के लेके आवाज़ तो हम लोग लगातार उठा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भत्ता बढ़ेगा। अब हमको पावर तो नहीं है, हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि भाई जितना पहले भत्ता जो है आज से 15 साल पहले जो भत्ता था वही है, मास्टर को पहले 5,000 मिलता था तो बढ़ करके हो गया 50,000, आज जी जहाँ है वहीं है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सरकार से भी, मंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी कि ये नहीं है कि हमको 50,000 चाहिए, जो कुछ भी बढ़ना चाहिए जितना सरकार को सुविधा हो जन प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ना चाहिए और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, आग्रह विनती करेंगे कि इनका भत्ता बढ़े और बढ़ेगा।